आज की ये खबर मानवता और इंसानियत को प्रेरित करने वाली है। ये खबर है झारखंड के जमशेदपुर से, और जमशेदपुर में रहने वाली एक लड़की, 11 साल की एक लड़की तुलसी कुमारी की से जुड़ी हुई। तुलसी कुमारी एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है और उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी हसरतें हैं। वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाहती है, लेकिन इस लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी चली गई, जिससे उसके परिवार में आर्थिक तंगी आ गई। सारे क्लासेस ऑनलाइन चलने लगे और तुलसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई मोबाइल खरीद ले और ऑनलाइन क्लास कर सके। लेकिन तुलसी में जो पढ़ने की भूख थी वो मिटी नहीं। वो लड़कर, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना जानती थी। उसे पता था कि अगर उसे एक मोबाइल चाहिए तो इसके लिए उसे काम करना पड़ेगा। उसने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये निकाली कि वो सड़क के किनारे आम बेचने लगी, और इसी तरह उसे लगा कि एक दिन इतने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि करीब 10,000 रुपए के आसपास थे, इतने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे कि वो एक स्मार्टफोन खरीद सकती थी और उस स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लास कर सकती थी। ये खबर एक टीवी चैनल पर चलाई गई और इस खबर को देख लिया मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाले अमाया हेते नाम के एक शख्स ने। अमाया हेते ने फौरन तुलसी कुमारी की मदद की। अमाया हेते ने, कहा जा रहा है कि 12 आम 1,20,000 रुपए में खरीद लिए, और यही नहीं, अमाया हेते ने 13,000 रुपए का एक स्मार्टफोन तुलसी कुमारी को गिफ्ट भेजा और साथ ही साथ एक साल तक इंटरनेट का पूरा खर्च भी दिया। अमाया हेते जैसे लोग बहुत विरले मिलते हैं, जो किसी की तकलीफ या किसी का दुख समझकर उसकी मदद करने को तैयार हैं। सिर्फ 11 साल के तुलसी कुमारी, और इस तरह से अगर उसे प्रेरित किया गया, प्रमोट किया गया, तो शायद वो आगे चलकर कुछ अच्छा बन सकती है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, और हो सकता है कि कल वो भी इसी तरह लोगों की मदद करें। तुलसी के माता पिता कह रहे हैं कि अमाया हेते उनके लिए भगवान बनकर आए। अगर अमाया हेते ना आते तो शायद तुलसी कुमारी महीनों तक क्लास नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती। उनके, तुलसी कुमारी के माँ बाप की ये दली तमन्ना थी कि वो अपनी बेटी को कभी भी आम बेचता हुआ ना देखें, और इसी वजह से वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इतने रुपए कम से कम इकट्ठा हो जाएं कि घर परिवार भी चल जाए और तुलसी कुमारी को उसका स्मार्टफोन भी मिल जाए। ये हुआ, ये सपना पूरा किया अमाया हेते ने। अब देखिए कि चारों तरफ अमाया हेते के साथ साथ तुलसी कुमारी के इस जज्बे की बहुत प्रशंसा हो रही है, तारीफ की जा रही है। ये हम भी मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि जो तुलसी कुमारी जैसी लड़कियां हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के पास बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चियों को, लड़कियों को प्रेरित किया जाता है, तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि क्या झारखंड सरकार भी तुलसी कुमारी तक कोई मदद पहुंचाती है, इसका इंतजार है। हालांकि तुलसी कुमारी के परिवार वालों ने झारखंड सरकार से भी मदद की मांग की है।